this batch is HER4. Heart. सप्लीमेंट्री यूनिट्स में, सप्लीमेंट्री यूनिट्स में सिर्फ दोनों चीज देखी थी, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री में फर्स्ट वन इज प्लेन एंगल, प्लेन, ठीक है, बताया था क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, क्यों होता है, क्योंकि रेशियो होता है लेंथ बाय लेंथ का, ठीक है, तो साइन थीटा बी बाय एच, कॉस थीटा बी बाय एच, टैन थीटा बी बाय वी, है ना, इस तरीके से प्लेन एंगल, ठीक है, और डायमेंशन लेस होता है। डिग्री किस में मेजर करते हैं, डिग्री एंड रेडियन दोनों में मेजर करते हैं, ठीक है, एंगल को, प्लेन एंगल को आप डिग्री या रेडियन इन दोनों में मेजर करो, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, एंगल को इधर ही मेजर है डिग्री और रेडियन, होता क्या है 180 डिग्री में पाई रेडियन होंगे, पाई रेडियन, ठीक है, कन्वर्जन याद होना चाहिए, ठीक है, और दीज आर डायमेंशन लेस, है ना, ये डायमेंशन लेस होते हैं, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, किसी भी सर्कल में ये होता है जीरो डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, रेडियन में देखोगे तो क्या होगा, जीरो, पाई बाय टू, पाई, 3π/2 एंड 2π कंप्लीट, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है, इसे नोट कर दो। चलो नेक्स्ट इज सॉलिड एंगल, ये एंगल होता है 2D का, है ना, ये एंगल होता है 2D का, ये प्लेन में बनता है ना, एक होता है सॉलिड एंगल 3D का, दूसरा है सॉलिड एंगल किसमें होता है 3D फिगर, 3D में कैसा रहेगा, सपोज एक कोन है, इफ यू आर हैविंग एक कोन है तो कोन में आपका क्या होगा, कोन तो आपका 3D फिगर हो गया ना, वो तो पेन इस प्लेन में नहीं बन सकता ना, उसका तो कुछ एक लेंथ बाहर भी निकल के आएगा ना स्क्रीन के, वो डायमेंशन ये वाला कर्वेचर, है ना, तो 3D में जो एंगल मेजर करते हैं उसको वी कॉल सॉलिड एंगल, क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं, ठीक है, उसमें प्लेन एंगल तो बनाते हैं थीटा थीटा, बस अभी याद कर लो फॉर्मूला, और ये जो 3D का फिगर ये 3D का एंगल निकल के आता है इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है 2π(1 cos θ), दिस इज द सॉलिड एंगल, ये सॉलिड एंगल होता है, ठीक है, इस तरीके से निकलता है, अगर सॉलिड एंगल जीरो होता है तो नो इनक्लोजमेंट, अगर सॉलिड एंगल 4π होता है तो कंप्लीट इनक्लोजमेंट, मतलब कि कोई किसी चीज का कंप्लीट उसके अंदर आ जाना, कंप्लीट इनक्लोजमेंट, जिससे सॉलिड एंगल अगर जीरो है तो ये ऐसे रहेगा जीरो, कोई अगर बॉल है तो कोई इनक्लोजमेंट नहीं है उसका, अगर सॉलिड एंगल 1 4π है तो दैट मीन एक बॉल है
किसी सर्फेस के अंदर पूरा का पूरा एनक्लोज्ड है, ये पूरा एंगल कितना हो गया, हाँ ये इसमें पाई पाई हो गया क्या थीटा वाले, और थर्ड एंगल कितना हो गया इसका 4 पाई, इसमें थर्ड एंगल कितना हो गया 0। बस अभी याद कर लो, आपको 12th में अच्छे समझ में आएगा थर्ड एंगल क्या होता है, अभी सिर्फ फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है, नोट करो इसे। नेक्स्ट, सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बाद नाउ वी नीड टू कैलकुलेट डेराइव क्वांटिटीज। डेराइव क्वांटिटी को हम कैलकुलेट करेंगे, डेराइव क्वांटिटी इसमें क्या होगा, इसमें क्वांटिटीज क्वांटिटीज डेराइव फ्रॉम फंडामेंटल उसको भी कॉल इट डेराइव क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज स्पीड और वेलोसिटी। अच्छा, स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन विल बी सेम, वो था डिफरेंट थिंग बट डायमेंशन विल बी सेम। क्या होता है, दिस इज लेंथ बाय टाइम, लेंथ बाय टाइम एल बाय टी, एल टी माइनस वन, ठीक है, एल टी माइनस वन। दूसरा, ये समझ में आ गया डायमेंशन, एल टी माइनस वन। डायमेंशन यस सर, निकालने के बाद यू विल टेक दिस ब्रैकेट, आखिरी में ही ब्रैकेट लगा दूंगा, है ना, एल टी माइनस वन। नेक्स्ट, अब बताओ एक्सेलरेशन का क्या आएगा, एक्सेलरेशन फोर्स का क्या आएगा, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मैं लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी बाय टाइम, फोर्स इज मास इंटू माई एक्सेलरेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्क और एनर्जी, वो होता है फोर्स इंटू माई लेंथ। इन सबके डायमेंशन आपको निकालना है, निकालो इन सबके, शुरू हो जाओ निकालो। चलो देखो क्या आएगा, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या आएगा, व्हाट द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का ये कितना आएगा, बताया एल टी माइनस वन डिवाइड बाई टी, सो दैट विल बिकम एल टी माइनस टू, आया ना। यस सर। फोर्स हो जाएगा मास इंटू में एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू, ठीक है। वर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू में लेंथ, फोर्स क्या है, एम एल टी माइनस टू इंटू में एल, दैट इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, आया ना, क्लियर है। यस सर। अब इसके अलावा कई सारे टर्म्स आएंगे जिसके जो शायद 12th से रिलेटेड हो, आपको नहीं आते, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना, एक चीज जैसे काइनेटिक एनर्जी, किसी भी टाइप की एनर्जी है, उसका डायमेंशन सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ इज डायमेंशन है, तो ऐसे ही है ना, उसको डायमेंशन नहीं मानते हैं। इसका भी डायमेंशन देखो सेम ही आएगा, कैसे, एम को एम लेना, बी क्या हो जाएगा एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर, तो वही आएगा कितना, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, समझे कि नहीं, ठीक है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, क्लियर है। अगर पोटेंशियल एनर्जी भी निकालोगे तो वही आएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एम जी एच, एम जी एच, एम क्या हो जाएगा, एम तो एम होगा, जी कितना हो जाएगा एल टी माइनस टू, एच एल, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये आएगा, क्लियर है कि नहीं, इज इट क्लियर, यस ठीक सर। है, इसे नोट कर लें सब लोग। नेक्स्ट, कुछ अजीब से टर्म आएंगे जो आपको नहीं पता होंगे, जैसे किसका डायमेंशन पूछ लेंगे, जैसे आपसे पूछ लेंगे कि ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसका डायमेंशन बताओ, कैपिटल जी का, कैसे निकालेंगे, इसको निकालना पड़ता है, कैसे निकालना पड़ता है,
एस सर, एफ इज इक्वल्स टू जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर, है ना। तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स फोर्स इज एम एल टी माइनस टू, दिस इज फोर्स। जी इज इक्वल टू एम इंटू में एम, तो मास का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे लेंथ का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एम एल टी माइनस टू, एफ के बराबर है ना आपका डायमेंशन। जी का डायमेंशन कितना आएगा, जी इज इक्वल टू एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू, दिस इज द डायमेंशन ऑफ जी। इस तरीके से अलग अलग चीजों के डायमेंशन यू हैव टू कैलकुलेट। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो समझ में आया, समझा क्या किया। एफ इक्वल टू क्या बेटा, तो वापस एक बार एक्सप्लेन करो। जी एक्स जी क्या है, यूनिवर्सल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू निकालना है। एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, एफ का डायमेंशन रख दू एम वन एम टू एफ स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर लेंथ है तो एल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से यू कैन कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ जी। इज इट क्लियर, समझा कि नहीं। यस सर। नेक्स्ट, जैसे कुछ अलग टाइप के टर्म आएंगे, स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेस और प्रेशर का डायमेंशन सेम होता है, ठीक है। प्रेशर प्रेशर भी होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया, इन दोनों के डायमेंशन सेम ही आएंगे। क्या डायमेंशन आएंगे बताओ, डायमेंशन निकाल। टेंथ स्ट्रेन, स्ट्रेन होता है लेंथ बाय लेंथ, वो डायमेंशन लेस हो जाता है लेकिन फिर भी नोट करना जरूरी है। इसके बाद विस्कोसिटी, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया अपॉन में वेलोसिटी बाय लेंथ, इसका डायमेंशन निकालो, इसको विस्कोसिटी कहते हैं, विस्कोसिटी। अगला है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट वो कैसे निकलता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाय बी। यहाँ पे लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, और पी लीनियर मोमेंटम, ये सब निकालना है आपको, निकालो शुरू हो जाओ। चलो टाइम कम है। स्ट्रेस का क्या आया, फोर्स इज एम, फोर्स का क्या है, फोर्स तो पता ही होगा आप तो याद करना पड़ेगा, एम एल टी माइनस टू डिवाइड बाय एरिया एल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू एम एल माइनस वन टी माइनस टू, इज इट करेक्ट, हाँ या ना, सेम इसका, यस सर, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, क्लियर, सेम सेम डायमेंशन। इसका क्या आएगा, लेंथ बाय लेंथ, सो दैट इज डायमेंशन लेस, तो इसको एम जीरो एल जीरो टी जीरो ऐसे करके लिख सकते हो आप, है ना। जब आपको डायमेंशन लेस लिखना है सारे डायमेंशन का पावर जीरो कर दो, बात एक ही है, ठीक है। विस्कोसिटी का क्या होगा, फोर्स, फोर्स क्या होता है, एम एल टी माइनस टू इंटू में लेंथ एल, एरिया एल स्क्वायर, वेलोसिटी एल टी माइनस वन, ये कट गया, कितना हो गया, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, क्लियर, समझ गए। अब ये आप बताओ यार, एच का क्या आएगा, एच का, एच का डायमेंशन बताओ यार, लैम्डा इंटरवल में पी, इसका क्या आएगा बताओ। लैम्डा को क्या ले लोगे, एल लेंथ है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, पी इज इक्वल टू मास इंटू में वेलोसिटी, तो मास को एम, वेलोसिटी को एल टी माइनस वन, तो कितना आता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, इज इट करेक्ट, हाँ या ना, बोलो सही है कि नहीं। yes. इतना नोट कर ले सब लोग, अब क्या करेंगे हम लोग, आपका डायमेंशन में सारी चीजें हो चुकी हैं नाउ। अच्छा एक चीज याद रखना हमेशा, जो रेशियोज होते हैं, रेशियो ऑफ सेम डायमेंशन, सेम डायमेंशन क्या होते हैं, डायमेंशन लेस,
डायमेंशन लेस, ठीक है, रेशियोज ऑफ सेम डायमेंशन डायमेंशन लेस होते हैं, ठीक है, समझा कि नहीं? जैसे डेंसिटी हो गया है, देखो डेंसिटी का क्या होता है, डेंसिटी तो सिंपल सा होता है, मास बाय वॉल्यूम कितना हो जाएगा, डेंसिटी मास एम वॉल्यूम एल क्यूब, सो दिस इज एम एल माइनस थ्री। लेकिन रिलेटिव डेंसिटी, इफ यू टॉक अबाउट रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी तो वो होता है, अच्छा डेंसिटी का साइन होता है रो, रिलेटिव डेंसिटी होता है रो रिलेटिव, वो होता है रो अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर, तो वो डायमेंशनलेस हो जाता है। क्या होता है, डायमेंशनलेस, दिस क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस, क्योंकि सेम डायमेंशन आपस में कट जाएंगे ना, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, ठीक है, क्लियर है, इज इट क्लियर? यस उसे नोट कर, नोट कर, इतना नोट कर, चलो आ जाओ। यस नेक्स्ट, नेक्स्ट इज टू लॉज, दो लॉ होते हैं ये याद रखना, लॉज डायमेंशन। इसमें क्या होता है, पहला फर्स्ट लॉ, ओनली सेम डायमेंशन कैन बी एडेड, है ना, एडिशन, एडिशन कहता है ओनली सेम डायमेंशंस, डायमेंशंस कैन बी एडेड, कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्ट, ठीक है, सिर्फ सेम डायमेंशन को ही आप एड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनर्जी को यू कैन ओनली एड और सब्सट्रैक्ट बाय एनर्जी, ये अलाउड है, बट ये नहीं कर सकते कि एनर्जी, एनर्जी को आप फोर्स से एड या सब्सट्रैक्ट कर दें, दैट इज नॉट पॉसिबल, ना, दैट इज नॉट अलाउड, ओनली सेम डायमेंशन कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्टेड, है ना, ये आपको याद, याद क्या करना है, तो ऑब्वियस है, क्योंकि अगर सेम डायमेंशन नहीं होगा तो अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो क्या आएगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा, वो एनर्जी होगा या फोर्स होगा, है ना, इसलिए ये याद होना चाहिए कि अगर इफ यू आर एडिंग समथिंग उनके डायमेंशन सेम होना जरूरी है ना। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है, उसमें कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट और सेम, डिफरेंट और सेम डायमेंशन का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अलाउड है, डायमेंशन कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, ठीक है, वो तो अलाउड है, अभी करते आ रहे हैं क्या, जिस प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया, तो वो तो करते आ रहा है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन एडिशन और सब्सट्रैक्शन का सेम डायमेंशन ही होगा, ठीक है, नोट कर लो इसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फोर्स इज इक्वल्स टू ए इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू में एक्स, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है, फोर्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स इज लेंथ, एक्स इज प्लस सी, प्लस सी, इसमें बोल रहा है फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए बी एंड सी, बताओ क्या डायमेंशन आएगा, कैसे करेंगे, देखें वही एडिशन वाला लगाना है, इसमें एडिशन वाला लगाना है फॉर्मूला, फोर्स क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, व्हेन यू कंपेयर दिस
सो ax का डायमेंशन a इंटू में x क्या होता है, a इंटू में l, a इंटू में l। दूसरा फोर्स इज ऑल्सो इक्वल टू एम एल टी माइनस टू, नहीं ए इंटू में एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना इसे, बी इंटू में एक्स तो बी इंटू में एल कर देना, ठीक है। थर्ड एम एल टी माइनस टू फोर्स सी ऐड कर रहे हैं ना, तो डायमेंशन तो सी का डायमेंशन तो ऐसे ही आ गया, ठीक है। ए का कितना आएगा, एल स्क्वायर यहाँ से हटा देना, ए का डायमेंशन आएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। बी का डायमेंशन क्या आएगा, एम टी माइनस टू, एम टी माइनस टू, और सी का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, आया ना, क्योंकि यू आर एडिंग ए एक्स स्क्वायर। देखो ए एक्स स्क्वायर का डायमेंशन फोर्स ही होना चाहिए, बी एक्स का भी फोर्स होना चाहिए और सी का भी फोर्स होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है? यस। नोट कर लो। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट इज फॉर्मूला डेरिवेशन। नाउ वी विल डेराइव द फॉर्मूला यूजिंग डायमेंशन कंपैरिजन, है डायमेंशन कंपेयर करके फॉर्मूला डेराइव करेंगे। फॉर्मूला, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ डायमेंशन, इसके बाद आप पहला एक्सरसाइज लगा क्या होगा, फॉर्मूला डेरिवेशन। फॉर्मूला डेरिवेशन में यू कैन ओनली फाइंड आउट, वी कैन ओनली फाइंड आउट पावर्स, पावर्स बता सकते हैं। वी कैन ओनली फाइंड पावर्स ऑफ टर्म्स, पूरा एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं आ सकता, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इफ यू, इफ अगर आपको ऐसा कुछ दिया जाए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है आपका कि आपको सपोज नहीं मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ना, लेकिन ये मालूम है काइनेटिक एनर्जी, अच्छा आपको तो पता ही है वैसे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, लेकिन सपोज आपको नहीं पता होता तो आपको ये पता है काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास का पावर कुछ एक्स होता है और वेलोसिटी का पावर कुछ वाई होता है, ठीक है। वेलोसिटी का पावर कुछ वाई होता है, तो कैसे निकालते हैं कि मास का पावर क्या होता है, वेलोसिटी का पावर क्या होता है, कैसे निकालते हैं बताओ? ये ऐसे निकालते कि काइनेटिक एनर्जी को लिखते क्या, एनर्जी का क्या होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, इज इट करेक्ट? आया ना, बोलो सही है कि नहीं, ठीक है। इज इक्वल टू मास का पावर एक्स, वेलोसिटी होता है एल टी माइनस वन का पावर वाई, तो कितना हो गया एम का पावर एक्स, एल का पावर वाई और टी का पावर माइनस वाई, है ना, सही है? नहीं समझ में आया? काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन लिख दिया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और एम का पावर एक्स, वेलोसिटी का पावर वाई, इज इट करेक्ट? करेक्ट है। नाउ कंपेयर द पावर ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। सो अगर m का कंपेयर करेंगे तो x कितना आ रहा है, यहाँ पे पावर कितना है m का, 1 है ना, तो x आ रहा है कितना, 1, देखो यहाँ पे। l का कंपेयर करोगे तो y आ रहा है 2, t का कंपेयर करोगे स्टिल माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू, तो यही वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे साफ साफ आ गया कि काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू m का पावर x, v का पावर y, वैल्यू रख देंगे काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एम का पावर वन और वी का पावर टू, ये काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एम का पावर वन वी का पावर टू, क्लियर है? इज इट क्लियर, आया ना? यस सर। ठीक है, नोट कर। अब यहाँ पे आप वन बाय टू नहीं निकाल सकते कभी भी, आपको सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी निकालनी है, ठीक है, नोट कर लो। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, याद करोगे, क्वेश्चन दिया है कि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू एल का पावर एक्स जी का पावर वाई, तो बताना एक्स फाइंड, फाइंड एक्स एंड वाई। जी क्या है, टी इज टाइम, एल लेंथ है और जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू
ग्रेविटी, बताना है कितना आया। ठीक है, शुरू हो जाओ। किसी का आंसर नहीं आया, किसी ने एक्स वाई निकाला है, बोलो भाई निकाला है। इधर देखो, t इज इक्वल्स टू लेंथ, लेंथ का पावर x, g का पावर y, है ना, प्रोपोर्शनलिटी है। बट व्हेन यू टेक डायमेंशन, t का डायमेंशन t, बाकी m0 l0 इज इक्वल्स टू लेंथ का पावर x, g इज lt माइनस 2 का पावर y, कितना हो जाएगा l x प्लस y t माइनस 2y, m0 l0 t का पावर 1 है। इफ यू कंपेयर द पावर ऑफ l, x प्लस y इज इक्वल टू 0, एंड इफ यू कंपेयर द पावर ऑफ t, सो माइनस 2y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 आएगा। व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ y हियर, यू विल गेट x इज इक्वल टू 1 बाय 2। ठीक है, क्या आता है, t इज प्रोपोर्शनल टू l का पावर x, g का पावर y, सो दैट इज इक्वल टू, t इज प्रोपोर्शनल टू l टू द पावर 1 बाय 2 एंड y और g का पावर माइनस 1 बाय 2। सो कितना आता है, t इज इक्वल टू रूट, इक्वल नहीं आएगा, प्रोपोर्शनल टू रूट l बाय g। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। चलो नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन है, चलो बताओ। एक मिनट वेट करना। काइनेटिक एनर्जी हो गया, ये हो गया। अब फोर्स, एक फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी का पावर एक्स, वॉल्यूम का पावर वाई, जी का पावर जेड। रो क्या है, डेंसिटी, वी इज वॉल्यूम, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। बताओ, फाइंड एक्स वाई जेड, बताओ कितना आता है। शुरू हो जाओ, नहीं आया किसी का, कैन मूव टू राइट बिफोर दिस टू द प्रीवियस स्लाइड। यस सर, 10 सेकंड्स। चलो, एनीवन गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? चलो नो प्रॉब्लम। फोर्स, फोर्स इज एम एल टी माइनस टू, एफ इज इक्वल टू एम एल टी माइनस टू इज इक्वल टू डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम टू द पावर एक्स, वॉल्यूम इज एल क्यूब टू द पावर वाई, acceleration to gravity lt minus 2 to the power z, so that is equals to m to the power x, l to the power 3y minus 3x, l to the power z, t to the power minus 2z. So when you take the power of m to the power x, l to the power minus, l to the power 3y minus 3x plus z, t minus 2z. ठीक है, सो व्हेन यू कंपेयर द पावर, व्हेन यू कंपेयर द पावर ऑफ एक्स वाई इज एम एल टी, सो व्हेन यू कंपेयर द पावर ऑफ एम, एक्स इज कमिंग 1, दिस इज 1 ना, एल, एल को करेंगे तो 3y माइनस 3x प्लस z इज इक्वल्स टू 1, टी को करोगे तो माइनस 2z इज इक्वल्स टू माइनस 2, सो z इज इक्वल्स टू 1। When you put the value of z in this or x ka value daloge, so what you will get, y is equals to 1, hai na, to sab 1 aata hai, dekho karke aata ki nahi aata, aata hai na, so x y z ki value 1 aa rahi, to force is proportional to rho v g,
ये आता है फाइनल आंसर। समझा कि नहीं, देख लो समझ में आया तो आज यहीं तक रखिए।